नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री पे घर का भाग्य निर्भर करता है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेडीज़ के लिए ही क्यों होते हैं, तो उसका ये जवाब है कि बहुत कुछ घर का सुख समृद्धि शांति औरत पर ही डिपेंड करती है। अगर घर की औरत चाहे तो वो घर को बना सकती है, और घर की औरत चाहे तो वो बने बनाए घर को बिगाड़ सकती है। घर की सुख समृद्धि भाग्य बहुत कुछ महिलाओं पर, स्त्रियों पर, उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विवाहित स्त्री को किस दिन अपने बाल धोने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ये पुरानी परंपराएं हैं जो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, तो ये अपने अपने मानने और ना मानने पर डिपेंड करता है। पर फिर भी हमारे शास्त्रों में ये बातें बताई गई हैं, तो इन्हें मानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विवाहित स्त्री को, सुहागिन स्त्री को किस दिन अपने बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। और जिन दिनों में सुहागिन स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए, अगर उस दिन धोना अनिवार्य हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए या आप क्या करके अपने बाल धो सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि किसी भी पूजा पाठ व्रत उपवास त्योहार के दिन घर की स्त्री को बाल धोलकर खोलकर नहीं छोड़ने चाहिए। आप एक दिन पहले अपने बाल धो लें ताकि पूजा पाठ के दिन आपको बाल धोने की जरूरत ना पड़े। हिंदू पंचांग तिथि के हिसाब से अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उस दिन चंद्रमा उच्च या निच क्या होता है और वो मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए इससे एक दिन पहले बाल धो लें या एक दिन बाद में बाल धोएं, इन तिथियों के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। आइए अब जानते हैं दिन के हिसाब से किस दिन दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं। और अगर नहीं धोने वाले दिन बाल धोना अनिवार्य हो जाए, जरूरी हो जाए, तो क्या करके बाल धो सकते हैं। रविवार यानी संडे के दिन कोई भी अपने बाल धो सकता है, सुहागिन स्त्रियां भी अपने बाल धो सकती हैं। लेकिन अगर आप रविवार के दिन व्रत रखती हैं या सूर्य देव की उपासना करती हैं, तो आपको रविवार को बाल नहीं धोना चाहिए। फिर भी अगर आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है, तो बाल धोना बहुत ही जरूरी है, तो आप पहले गुड़हल का फूल ले लीजिए और उसका रस निकाल कर अपने बालों में थोड़ा सा लगा लीजिए। छुआना मात्र भी काफी होगा और उसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। रविवार की तरह ही सोमवार के दिन भी सुहागिन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आप सोमवार के दिन व्रत रखती हैं, शिव जी का फास्ट करती हैं, तो फिर आपको अपने बाल नहीं धोना चाहिए। फिर भी अगर कोई अनिवार्य कारण है, आपको अपने बाल धोना जरूरी है, तो आप अपने नहाने के पानी में, बाल धोने के पानी में एक पलाश का फूल डाल दीजिए और उसके बाद आप अपने बालों को आराम से धो सकती हैं। मंगलवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोना चाहिए। मंगलवार के दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। मंगलवार के दिन बाल धोना अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर बहुत जरूरी है मंगलवार के दिन बाल धोना, तो आप आंवले का चूर्ण या आंवले के रस को पानी में मिलाकर फिर अपने बालों को धो सकते हैं। बुधवार के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन अगर आपका छोटा भाई है तो फिर आपको बुधवार को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन बाल धोने से छोटे भाई पर दोष आता है। फिर भी अगर बुधवार के दिन बाल धोना बहुत ही अनिवार्य है, तो आप बालों को धो लीजिए और उसके बाद वरुण देव या फिर बुधवार के आराध्य देव श्री गणेश को आप पूजन करिए और उनसे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां, आदमी, बच्चे, किसी को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए, उससे विष्णु भगवान का दोष लगता है।
बृहस्पतिवार के दिन कोई भी साफ सफाई का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में पोछा लगाना भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी तरह की साफ सफाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इन सब चीजों से दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, इन सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से घर में दरिद्रता आती है, फिर भी अगर बहुत जरूरी है बाल धोना तो आप थोड़ी सी हल्दी अपने बालों में लगाकर और उसके बाद बालों को धो सकती हैं। लेकिन जहां तक जरूरी हो कोशिश करना चाहिए कि आप अपने बालों को धोना अवॉइड करें थर्सडे के दिन। शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन आप अपने बालों को धो सकती हैं, लेकिन जो स्त्रियां पुत्र की कामना करती हैं, मतलब जो चाहती हैं कि आगे उनके पुत्र हो, उन्हें फ्राइडे के दिन अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। फिर भी अगर बहुत ज़रूरी काम हो, आपको बाल धोना ज़रूरी हो जाए, तो आप अपने बालों में थोड़ा सा दही लगा लीजिए और उसके बाद फिर आप अपने बालों को धो सकती हैं। शनिदेव को सब देवताओं में सबसे ज्यादा उच्च माना जाता है। शनिवार के दिन बाल धोने से शनि का दोष लगता है, इसलिए कहते हैं कि शनिवार को बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। फिर भी अगर बहुत जरूरी है आपको शनिवार के दिन बाल धोना, तो आप अपने बालों में पहले थोड़ा सा दूध लगा लें और उसके बाद फिर आप अपने बालों को धो सकती हैं। तो ये हैं कुछ बहुत ही छोटी छोटी और मामूली सी बातें जिन्हें रोज के जीवन में मानने से हमारे घर में अगर सुख समृद्धि शांति आती है तो इन्हें मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे पुराणों में हमारे पुराने लोगों ने इन बातों का वर्णन किया है तो इन बातों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई जरूर होगी और इन बातों को मानने से हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आती है, तो इन बातों को जरूर मानना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।